हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सबका रेसिपीज बाय संध्या में। आज हम बनाने जा रहे हैं सेम का अचार। ये बहुत टेस्टी होता है, आप इसे रोटी पराठे के साथ खा सकते हैं, सफर में ले जा सकते हैं, चावल दाल के साथ खा सकते हैं। बहुत ज्यादा टेस्टी होता है और झटपट से बन जाता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो को पूरा देखें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी रेसिपी। यहाँ पे मैंने 300 ग्राम सेम ले लिया है। सेम कई तरह के होते हैं। सेम का अचार बनाने के लिए सबसे पहले हम सेम के पीसेस कट कर लेंगे। सेम का साइज बड़ा बड़ा है तो सेम 2 से 3 पीस में कट करेंगे। सबसे पहले ऐसे कट करके सेम से ऐसे हम रेशा निकालेंगे और सेम ऊपर से कितना भी साफ दिखे फिर भी सेम को ऐसे खोलकर जरूर देख लेना चाहिए। कई बार ऊपर से तो बिल्कुल साफ सुथरा सा होता है पर अंदर कीड़े होते हैं, ऐसे चेक जरूर करना चाहिए। ये बड़े साइज का है तो इसको मैं 3 पीस में कट कर रही हूँ। फिर से दूसरा सेम लेंगे, ऐसे रेशे निकालेंगे, रेशे को एक साइड में रखते जाएंगे, ऐसे खोल के देख लेंगे साफ है बिल्कुल, 3 पीस में कट कर लेंगे। ऐसे एक एक करके सारे सेम का रेशा हटा के खोल कर देख कर कट कर लेंगे। गैस ऑन करेंगे। एक पैन में मैंने आधा पैन पानी ले लिया है, पानी में उबाल आने देंगे। पानी में उबाल आने लग गया है, हाफ टी स्पून नमक ऐड कर लेंगे, कटे हुए सेम को ऐड कर लेंगे। सेम को ऐसे उलट पलट कर देंगे। सेम को 1.5 से 2 मिनट टाइम देखकर उबाल लेंगे। सेम चेक कर लेते हैं। सेम को हमें पूरी तरह नहीं पकाना है, अधपका सा होना चाहिए। सेम हमारा अच्छे से उबल गया है, गैस को ऑफ कर लेंगे और सेम को पानी से अलग कर लेंगे किसी छन्नी में रख के, और कुछ देर छन्नी में ही छोड़ देंगे ताकि जो भी एक्स्ट्रा पानी होगा वो निकल जाएगा। एक्स्ट्रा पानी निकलने के बाद सेम को कॉटन के कपड़े के ऊपर फैलाकर, अगर धूप की सुविधा है तो 1 से 1.5 घंटे के लिए धूप में रख देंगे, अगर धूप की सुविधा नहीं है तो पंखे के नीचे 3 से 4 घंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि सेम के अंदर जो भी एक्स्ट्रा नमी होगी वो निकल जानी चाहिए। मैंने उबले हुए सेम को 1 से 1.5 घंटे के लिए धूप में रख दिया था। आप देख पा रहे होंगे सेम सूखा सूखा सा हो गया है, थोड़ी सी सेम से नमी कम हो गई है। चलिए इसके मसाले तैयार कर लेते हैं। गैस ऑन करेंगे, एक पैन रखेंगे, पैन को गरम होने देंगे। पैन गरम हो चुका है, गैस का फ्लेम बिल्कुल कम कर लेंगे। यहाँ पे मैंने मसाले ले लिए हैं, 1 बड़ा चम्मच साबुत धनिया, 2 बड़ा चम्मच राई, 1/2 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून मेथी, 1/2 टीस्पून सौंफ ऐड कर लेंगे पैन में। मसालों को हल्का सा गरम कर लेंगे, अगर धूप की सुविधा है तो आप इसे धूप भी दिखा सकते हैं। मसालों को हमें भूनना नहीं है, हल्का सा गरम करना है ताकि इसे सिलन निकल जाएगा। मसाला हल्का सा गरम हो गया है तो निकाल के एक प्लेट में रख लेंगे, ठंडा होने देंगे। फिर से पैन रख लिया है, गैस का फ्लेम अब हाई पे कर लेंगे। 1/2 कप सरसों ऑयल लिया है, ऑयल को अच्छे से गरम होने देंगे। ऑयल अच्छे से गरम हो चुका है, धुआं निकलने लग गया है, गैस को ऑफ कर लेंगे, ऑयल को ठंडा होने देंगे थोड़ा सा। ऑयल ठंडा हो चुका है, 1/4 टीस्पून हींग ऐड कर लेंगे और ऑयल को अच्छी तरह से ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। गरम किया मसाला ठंडा हो चुका है, इसे मिक्सी जार में डाल के दरदरा पीस लेंगे। यहाँ पे मैंने सेम ले लिया है, तैयार किया मसाला ऐड कर लेंगे। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून अजवाइन, 1/4 टीस्पून कलौंजी, गरम किया ऑयल, ये ठंडा हो चुका है, ऐड कर लेंगे। बिल्कुल साफ और सूखा चम्मच लेंगे, सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे।
सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसे साफ़ और सूखे मर्तबान में भर के, अगर धूप की सुविधा है तो 5 से 6 दिन अचार को धूप में रखेंगे, उसके बाद ये खाने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएगा। ये बहुत टेस्टी लगता है, आप इसे चावल दाल के साथ खा सकते हैं, रोटी पराठे के साथ खा सकते हैं। तो आप भी इस तरीके से बिल्कुल देसी स्टाइल में सेम का अचार एक बार जरूर ट्राई कीजिए। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।